Hello, good morning guys. So this is the third day and we are going to check out right now from Sterling Bedros. And right now on the way, while going, we'll be going some other beaches in North Goa because yesterday we could not make it out. And after that we'll be going to South Goa. So bane rahi mere blog mein, main aapko dikhati rahungi गोवा के बाकी सारे बीचेस. सो इस जर्नी में गोवा के एवरी बीचेस कवर करने की कोशिश करूँगी और आपको दिखाते जाऊँगी अभी गोवा के सारे बीचेस की क्या कंडीशन है. सो बने रहिए. So right now I'm going to Baga Beach. I'm going to show you the way. If you are first time on my channel, please subscribe my channel and also press the bell notification icon for my upcoming videos. राइट नाउ वी आर एट बागा बीच एंड यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में भी काफ़ी सारे लोग हैं. आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं इन द मॉर्निंग टाइम ऑल्सो. एंड इन द इवनिंग यहाँ पे बहुत क्रेजी पार्टी होती है सारे शख्स में. एंड यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटी भी होती है. इवन अगर आपको वाटर एक्टिविटी करनी है बागा बीच पर, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस. यू कैन सी इन द बैक. तो हम लोग आज सोच रहे हैं जितने सारे गोवा के, नॉर्थ गोवा के बीचेस हैं वो कवर करने का मैक्स टू मैक्स. एंड उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं साउथ गोवा. सो देखते रहिए मेरी ब्लॉग. मैं आगे की ब्लॉग में दिखाती जाऊंगी नेक्स्ट बीच जो भी मैं नेक्स्ट जाने वाली हूँ. Yesterday I've been to other beaches in North Goa like Arambol, Mandrim and all. But compared to other beaches, Baga Beach ka jo sand hai and the beach hai, it is really really clean. And the water also, like, you know, it is so clean and there is no kind of smell and all. And but the waves are a little high over here. But still you can go to the water and you can just, you know, chill out. You can see in my back there are a lot of families with their kids, they're enjoying in the water. So right now I'm going to just take a pic near to the Baga sign, and also I'll be showing you some other places shortly. So bane rahiye mere vlog mein. So Baga sign ke बाद जो छोटा सा रिवर दिख रही है आपको पीछे, इसको बोलते हैं बागा रिवर. एंड ये बागा रिवर आके मिलती है अरबियन सी में. सो इसीलिए इस बीच का नाम है बागा बीच. सो राइट नाउ हम लोग बागा बीच से जा रहे हैं कलिंगुड बीच. एंड बोथ द बीचेस कनेक्टेड है, सो आप वॉक करके भी जा सकते हो. सो लेट्स गो.
बहुत सारी फैमिलीज आती है जनरली। ये वाला बीच काफ़ी फेमस है फैमिलीज के लिए, और दिन में ये लोग यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, सन ब्रीदिंग करते हैं, रात में बहुत सारी पार्टी होती है यहाँ पे। सो लेट्स गो टू द बीच। मैं पहुंच गई अभी कलंगुट बीच, एंड बागा एंड कलंगुट बोथ द बीच आर कनेक्टेड, तो आप यहाँ से पैदल चल के आ सकते हो। और यहाँ पे ये बीच जनरली फेमस है फैमिलीज के लिए, यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आती है, एंड बीच भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, पानी भी बहुत साफ है, एंड थोड़ा सा लेयर वेव लेयर थोड़ा सा हाई है यहाँ पे, बट फिर भी आप फैमिली के साथ यहाँ पे पानी में जा सकते हो एंजॉय करने के लिए। Right now I am at Kalangut beach. I have just done my breakfast, and this beach is really colorful. You can see there are a lot of colorful shacks, and so abhi hum log thoda sa aage jane wale hain aur dekhne wale hain kaun sa beach hai aage. So let's explore the beaches. So aaj ka hum log, jab se hum log Goa mein aaye hain, hum log ka main concept hai ki jitna bhi hum log beach hopping kar paaye. So let's go. वाटर एक्टिविटी करनी यहाँ पे कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे जनरली 2200 से लेके 2000-3000 तक होती है स्पोर्ट्स, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और कलंगुट एंड बागा जनरली स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे मैं लोग देख रही हूँ काफ़ी लोग जा रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए एंड वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, सो यू कैन ऑल्सो जॉइन अवर देयर। बाहर की तरफ निकलोगे आप तो यहाँ पे बहुत सारे टैटू पॉइंट हैं एंड शॉपिंग प्लेसेस हैं, सो यू कैन गो एंड शॉप ओवर देयर। तो आगे हम लोग कवर करने वाले हैं पंजिम एंड साउथ गोवा, सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।